नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों, आज हम रिसर्च के अंदर वेरिएबल्स के बारे में जानने वाले हैं, अनुसंधान के चर के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है जो रिसर्च में आगे बहुत बार यूज होगी। चर और वेरिएबल का नाम आपको हर बार सुनना पड़ेगा बार बार, तो इसके बारे में हमें अच्छे से पता होना ज़रूरी है। और ज़्यादा दिक्कत उन दोस्तों को आती है जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप ये अच्छे से समझ ले कि अनुसंधान में चर क्या होते हैं, यानी कि वेरिएबल क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं। अक्सर इसमें कन्फ्यूज़न बना रहता है, स्टूडेंट अच्छे से नहीं समझ पाते। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे से और आसान तरीके से समझेंगे कि अनुसंधान के चर यानी कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए, चर क्या है? चर को हम किसी भी वस्तु, घटना, विचार इत्यादि से परिभाषित कर सकते हैं जिसकी कुछ मात्रा हो या फिर जिसका कोई गुण हो, जैसे कि भूकंप, बीमारी, नमक, नियम, गाड़ी इत्यादि। चर की काफ़ी तरह की विशेषताएं हो सकती है जो या तो चर खुद प्रभावित हो सकता है या फिर किसी दूसरी वस्तु को प्रभावित कर सकता है। अब देखिए, इसके अंदर हम आसानी से समझने की कोशिश करते हैं कि चर क्या होता है। दोस्तों, चर कुछ भी हो सकता है। चर एक वस्तु हो सकती है, घटना हो सकती है, विचार हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ हो सकती है जिसका या किसी दूसरी चीज़ पर इफ़ेक्ट पड़ता हो या फिर वो खुद प्रभावित होती हो। ठीक है, जैसे कि हमने भूकंप की बात की, भूकंप आता है तो हमारा जो जीवन है अस्त व्यस्त हो जाता है, बीमारी होने से हमारा जो शरीर है वो ख़राब हो जाता है, नमक अगर किसी चीज़ में ज़्यादा पड़ जाए, कम पड़ जाए, तो वो सब्ज़ी है वो भी ख़राब हो जाती है। नियम तोड़ने से और या नियमों का पालन करने से हमारी चीज़ें अच्छी और बुरी हो सकती है। और गाड़ी है, गाड़ी को भी सही चलाने से वो सही चलेगी और गलत चलाने से वो हमारा एक्सीडेंट कर सकती है। यानी कि चर का मतलब कोई भी ऐसी वस्तु वो या तो किसी और चीज़ को प्रभावित करती हो या फिर वो किसी और चीज़ से खुद प्रभावित होती हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में भी पढ़ सकती है, वेरिएबल्स आर एनीथिंग कैन इफेक्ट और चेंज द रिजल्ट ऑफ स्टडी, यानी कि किसी भी स्टडी के रिजल्ट को चेंज करने की अक्षमता रखते हो, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। और इसमें देखिए, अब हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए, जैसे एयर पोल्यूशन एक वेरिएबल है, एक चर है। अब देखिए, एयर पोल्यूशन जब बढ़ेगा, ज़्यादा एयर पोल्यूशन होगा तो क्या होगा, डिजीज यानी कि बीमारी बढ़ने लग जाएगी। यहाँ पे दो चर है हमारे पास, एक तो है एयर पोल्यूशन और दूसरा है डिजीज। तो अब देखिए, जो डिजीज़ है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एयर पोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है डिजीज़। ठीक है, तो इसमें जो एयर पोल्यूशन है दोस्तों, इस चर के द्वारा ये चर प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से चर है, हमारे एयर पोल्यूशन है और डिजीज़ है, और कौन किससे प्रभावित हो रहा है ये भी हमें समझ में आ गया। अब देखिए, इसमें और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं वेरिएबल्स के, जैसे स्टूडेंट स्लिप्स और इफ़ेक्ट स्टडी स्कोर। यानी कि अब देखिए, स्टूडेंट है वो सोएगा तो उसका जो स्टडी स्कोर है वो प्रभावित होगा। अब देखिए, इसमें दो तरीके से प्रभावित होगा। अगर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सोएगा, ठीक है, तो भी उसका जो स्कोर है वो डाउन चला जाएगा। और अगर स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं सोएगा, दिन में मान लो 2 घंटे सोता है, तो भी उसका जो स्कोर है वो इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि जो स्कोर है वो इसके सोने के ऊपर प्रभावित कर रहा है। यहाँ पे दो हमारे वेरिएबल है, ये हमें पता चल गए। अब दूसरा है जैसे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या होता है, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे भी दो वेरिएबल हो गए। और अगला है जैसे ईटिंग आइसक्रीम। आइसक्रीम के खाने से क्या होता है, फीवर यानी कि बुखार हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो इस तरह की कोई भी चीज़ जो या तो खुद प्रभावित होती हो किसी चीज़ से या वो फिर किसी और को प्रभावित करती हो, उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और आगे हम इसकी बात करते हैं कि चर है उसके कितने कितने तरह के हो सकते हैं। मेन जो चरों की हम बात करेंगे, अब देखिए, सबसे पहली जो चीज़ आती है टाइप ऑफ वेरिएबल्स के अंदर, स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, यानी कि उसका किसी भी चीज़ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो बिल्कुल फ्री होती है। इस तरह के चर पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, इन पर किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि सुनामी को हम रोक नहीं सकते।
ठीक है दोस्तों, यानी कि इस तरह के जो चर होते हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, उसका किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि हमने सुनामी की बात की, अब सुनामी आएगी तो आएगी, सुनामी को हम नहीं रोक सकते, ठीक है, सुनामी को हम नहीं रोक सकते, तो ये हमारी क्या होगी दोस्तों, हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्वतंत्र चर, ठीक है। और अगला आता है दोस्तों हमारा आश्रित चर, आश्रित यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। यह चर कुछ इस तरह के होते हैं जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। अब देखिए, ये ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके प्रभाव को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को बुखार हो गया हो तो उसे हम दवाई देकर ठीक कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये जो चर होता है वो किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे बुखार की हमने बात की, तो बुखार किसी और के ऊपर डिपेंड है, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। और आगे आता है दोस्तों हमारे पास मध्यवर्ती चर यानी कि इंटरव्यूइंग वेरिएबल, मीडिएटिंग। इस तरह के, ये देखिए, इस तरह के चर को हम पूर्ण रूप से देख नहीं सकते, लेकिन यह चर स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच शामिल होता है। अब देखिए, हमने बात की थी यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। जो मध्यवर्ती चर होता है, इन दोनों के बीच में चर होता है जिसे हम अच्छे तरीके से नहीं देख सकते, और यह चर इन दोनों के बीच होने वाले संबंध के बारे में बताता है। अब देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि एक होगी आइसक्रीम होगी, और फिर हो गया बच्चे ने खाई, तीसरा हो गया बुखार हो गया, और फिर वो बच्चा है स्कूल नहीं जा पाया, ठीक है। यहाँ पे अगर वेरिएबल की बात करें तो कई तरह के वेरिएबल है, जैसे एक होगी आइसक्रीम होगी, ठीक है, और फिर बच्चे ने उसको खाया, और फिर हो गया बुखार, और फिर इफ़ेक्ट क्या पड़ा कि वो स्कूल नहीं जा पाया। अब देखिए, अगर हम इन दो चीज़ की बात करें, दो वेरिएबल की बात करें, इन दो की हम बात करें, ठीक है, तो इन दो के बीच में ये वेरिएबल भी आ रहे हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, मध्यवर्ती चर या इंटरव्यूइंग वेरिएबल, मीडिएटिंग वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों मॉडरेटर वेरिएबल, ये क्या होते हैं, यह चर स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच संबंधों को सुधारने का काम करता है। अब ये देखिए, जो स्वतंत्र और आश्रित यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उनके बीच में जो संबंध है उनको सुधारने का काम करते हैं। अब देखिए, यहीं पे हम एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं कि बच्चे ने आइसक्रीम खाई और वो स्कूल नहीं जा पाया, ठीक है, हमें पता है क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि उसको बुखार हो गया। अब देखिए, बुखार हम चाहे तो 5 दिन में भी ठीक कर सकते हैं, और अगर हम केयर ना करें तो हो सकता है उसे 15 दिन भी लग जाए। तो अगर यहाँ पे हम बच्चे को मेडिसिन वगैरह देंगे, मेडिसिन एक हमारा चर हो गया, मेडिसिन देंगे तो वो बच्चा क्या स्कूल जल्दी जाने लगेगा, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, हमारा मॉडरेट वेरिएबल यानी कि दोनों के संबंधों को सुधारने का काम कर रहा है, ठीक है। और आगे आते हैं दोस्तों हमारे पास नियंत्रित चर, कंट्रोल वेरिएबल। इस तरह के चरों को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, और इसे यानी कि जो हमारी नीड है उसे कम करना है, ज़्यादा करना है, उस हिसाब से हम कर सकते हैं। अगला आता है दोस्तों हमारा कन्फाउंडिंग वेरिएबल, एक्स्ट्रा वेरिएबल दैट हैव ए हिडन इफेक्ट ऑन योर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। अब देखिए, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर कोई ऐसा अरे पास वेरिएबल होता है जो जिसका एक छुपा हुआ प्रभाव होता है। अब देखिए, इसके अंदर हम क्या यही एग्जांपल लेके चलते हैं कि बच्चे ने आइसक्रीम खाई, उसको बुखार हो गया, बच्चा स्कूल नहीं जा पाया। अब देखिए, हमें लग रहा है कि बच्चे ने जो आइसक्रीम है वो खाने से उसको बुखार हो गया, हमें ये पता चल रहा है, लेकिन इसका एक और रीज़न भी हो सकता है कि बच्चे को मच्छर खा रहे हो, उसे डेंगू बुखार हो रहा हो, ठीक है। हम इस वहम में रहे कि बच्चे को सर्दी लगी इसलिए इसको बुखार हो गया, लेकिन हो सकता है तो उसे बुखार होने का रीज़न कुछ और ही हो, डेंगू मच्छर ने काट लिया हो, मलेरिया हो गया हो, या कुछ और हो गया हो, गंदा पानी पीने से बुखार हो गया हो और वो फिर स्कूल ना जा पाए हो, और हमें लग रहा हो कि बच्चे ने आइसक्रीम खाई है इसलिए वो बीमार हो गया। तो इस तरह के वेरिएबल जिनका दैट हैव ए हिडन इफेक्ट ऑन योर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, जिनका छुपा हुआ प्रभाव होता है। दोस्तों अगला हमारा वेरिएबल आता है लैटिन वेरिएबल। अब देखिए, लैटिन वेरिएबल के अंदर क्या होता है, ए हिडन वेरिएबल दैट कांट बी मेजर्ड
और ऑब्जर्व्ड डायरेक्टली। अब देखिए ये वही बात आती है, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था कि बच्चे को बुखार हो गया, ठीक है। बच्चे को बुखार होने के कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे उसने हो सकता है गंदा पानी पी लिया हो या फिर मच्छर ने काट लिया हो, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल होते हैं, छुपे वेरिएबल, इनको हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते कि बच्चे ने कितना गंदा पानी पिया, किस वजह से बुखार हुई, क्या हुआ, यानी कि उनको हम मेज़र और ऑब्जर्व डायरेक्टली रूप से नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं, लैटिन वेरिएबल कहते हैं। और इसमें से एक बार, एक से दो बार क्वेश्चन आया दोस्तों, ये आप ध्यान से देख लेना। और आगे है दोस्तों हमारा मैनिफेस्ट वेरिएबल। अब देखिए मैनिफेस्ट वेरिएबल लैटिन वेरिएबल का थोड़ा सा उल्टा है, ए वेरिएबल दैट कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व और मेजर, यानी कि एक ऐसा वेरिएबल जिसे हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं और पहचान सकते हैं। अब यही एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि बच्चे ने आइसक्रीम खाई, उसे बुखार हो गया। अब हम ये देख सकते हैं कि बच्चे ने एक आइसक्रीम खाई थी या 10 आइसक्रीम खाई थी या कितनी आइसक्रीम खाई थी, ठीक है, ये हमें डायरेक्टली पता चल रहा है, ठीक है। यानी कि इस तरह के वेरिएबल जिनको हम डायरेक्टली देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेज़र कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मैनिफेस्ट वेरिएबल कहते हैं। आगे आता है दोस्तों हमारे पास एंडोजेनियस वेरिएबल। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, सिमिलर टू डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ही होते हैं, दे आर इफेक्टेड बाय अदर वेरिएबल इन द सिस्टम। ये दोस्तों वही है कि डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह होते हैं, आश्रित चर की तरह होते हैं, जो किसी और के द्वारा प्रभावित होते हैं हमारे स्टडी के अंदर। दोस्तों आगे आता है हमारा डम्मी वेरिएबल। अब देखिए डम्मी वेरिएबल क्या होता है, रिकॉर्ड कैटेगोरियल वेरिएबल इन सीरीज ऑफ बाइनरी वेरिएबल। ये दोस्तों ये जो दोनों वेरिएबल है ये इकोमेट्रिक्स के अंदर यूज होते हैं, जो स्टेटिक्स वगैरह होता है, यानी कि जो ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर ये इनको यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर चलो मैं बता देता हूँ, ये हमारे इतने ज़्यादा नहीं आएगा, ये वेरिएबल आज तक मैंने नहीं देखा ये क्वेश्चन पेपर में, फिर भी हम जान लेते। ये क्या करता है दोस्तों, ये जो किसी की एब्सेंस यानी कि किसी की कमी को पूरा करता है। अब डम्मी, डम्मी से देखो हमें समझ में ही आ रहा है कि किसी चीज की डम्मी बनाना, ठीक है, किसी की कमी को पूरा करना, यानी कि जो वेरिएबल किसी चीज़ दूसरी चीज़ की कमी को पूरा करता उसे हम क्या कहते हैं, डमी वेरिएबल कहते हैं। देखिए डमी वेरिएबल के बारे में मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, और क्रिकेट के अंदर एक जो खिलाड़ी है उसको चोट लग गई, ठीक है, तो उस खिलाड़ी की जगह एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी टीम में होता है, वो आके उसकी जगह लेता है, वो खेलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डमी वेरिएबल कहते हैं, यानी कि डमी के रूप में वो होता है। और देखिए दोस्तों मैंने आपको जितने भी मेन मेन वेरिएबल्स थे वो मैंने सभी आपको करवा दिए हैं। और वेरिएबल अगर देखा जाए तो इसके अलावा भी बहुत से वेरिएबल हो सकते हैं छोटे छोटे, हर फील्ड के अंदर अलग अलग वेरिएबल होते हैं, लेकिन हमारे नॉर्मली जो वेरिएबल यूज होते हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। और मेरे और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वेरिएबल्स के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। और अगर किसी दोस्त का कोई भी किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब है तो वो हमसे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।